अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, झमझम ऑटो डील के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा का बोलेरो पिकअप एफपी ट्रक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा का बोलेरो पिकअप एफपी ट्रक। और फ्रंट साइड की दोस्तों बात करें इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी फ्रंट साइड से लगने में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया बम्पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर बहुत सारी रेडियम से डिजाइन की हुई है। उसके अलावा यहाँ पर बम्पर पर रेडियम से जमजम ऑटो डील लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको गाड़ी की नंबर प्लेट बम्पर पर देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा नीचे बम्पर पर बहुत ही अच्छी डिजाइन की हुई है, जिसकी वजह से इस बोलेरो पिकअप ट्रक का बहुत ही बढ़िया लुक दिख रहा है और गाड़ी बहुत ही अच्छी दिख रही है। और अगर गाड़ी की बोनेट की बात की जाए, तो यहाँ पर गाड़ी के बोनेट पर दोस्तों आपको रेडियम से बोलेरो लिखा हुआ मिल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर महिंद्रा का लोगो सही सलामत है। 2012 की ये गाड़ी है, लेकिन इस लोगो को कुछ नहीं हुआ है। और अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाए, तो ये गाड़ी की प्राइस है 4,75,000 रुपये। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बोनेट पर आपको रेडियम से स्टार लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर गाड़ी के फ्रंट में मिरर पर रेडियम से बहुत सारी डिजाइन की हुई देखने को आपको मिल रही होगी। और इसके अलावा यहाँ पर आप अगर देखो, तो जमजम ऑटो डील का आपको यहाँ पर नंबर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ये गाड़ी के रिलेटेड या फिर कोई और गाड़ी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो जमजम ऑटो डील में से, तो यहाँ पर इस नंबर पर दोस्तों आप कॉल करके किसी भी गाड़ी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर दोस्तों गाड़ी के राइट साइड की बात की जाए, तो यहाँ पर गाड़ी के राइट साइड में भी बहुत ही सारी रेडियम से डिजाइन की हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो बोलेरो पिकअप एफ भी लिखा हुआ मिल रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर जमजम ऑटो की तरफ से बहुत सारी रेडियम की डिजाइन की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेडियम से बोलेरो लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर रेडियम से हॉर्स की डिजाइन बनाई हुई है। और यहाँ पर कई सारी ऐसी डिजाइन मिल रही है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कांच के ऊपर भी ताजमहल का डिजाइन बनाया हुआ है। और ये 2012 की गाड़ी है, तो यहाँ पर रेडियम से 2012 लिखाया हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डाले पर आपको बहुत ही बढ़िया सनसेट की डिजाइन देखने को मिल रही है, जो गाड़ी का लुक अच्छा बनाती है। और इसकी वजह से गाड़ी बहुत ही अच्छी दिख रही है। आप देख सकते हो कि गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में, वेल मेंटेन ये गाड़ी है। और इसके अलावा अगर गाड़ी की लेफ्ट साइड की बात की जाए दोस्तों, तो दोस्तों लेफ्ट साइड में ऐसी ही रेडियम की डिजाइन है जैसी राइट साइड में डिजाइन है। इसके बारे में मैं बताकर वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। और यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट वैसा ही है जैसा राइट साइड में। और इसके अलावा अगर पीछे की बैक साइड की बात की जाए गाड़ी की, तो गाड़ी के बैक साइड में भी बहुत सारी रेडियम से डिजाइन की हुई है। यहाँ पर हॉर्न ओके प्लीज रेडियम से लिखा हुआ है। उसके अलावा कई सारी और भी डिजाइन की हुई है। और इसके अलावा अगर आप ज्यादा वजन कैरी करना चाहते हो इस गाड़ी में, तो इसके लिए एक्स्ट्रा लकड़े दिए गए। और उस लकड़े पर भी बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है, जो कलर पेंटिंग है। और बहुत ही बढ़िया ये पेंटिंग दिख रही है, जिसकी वजह से ये बैक साइड का लुक बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। पर अगर डाले के अंदर की बात करें, तो डाले के अंदर की दोस्तों आप चादर देख सकते हो, जो बहुत ही अच्छी है और नई बिछाई हुई है, जो बहुत ही अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर इस डाले की चादर में कोई भी सड़ा नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया डाला बनाया हुआ देखने को मिल सकता है। और ये डाला 8 फीट का है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये डाला 8 फीट का है। तो आप यहाँ पर बहुत सारा वजन लोड कर सकते हो, मिनिमम दोस्तों आप 5 टन या उसके आसपास यहाँ पर वजन कैरी कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और 2012 के मॉडल में दोस्तों ऐसी गाड़ी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ जमजम ऑटो डील में ही ऐसी गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप ये गाड़ी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो अभी हमारा नंबर जो जमजम ऑटो डील का है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप वहां पर कॉल करके पूछ सकते हो। और दोस्तों एक बार मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर और गाड़ी का इंजन और गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो इंटीरियर की दोस्तों बात की जाए, तो ये एक लोडिंग ट्रक है, तो इसमें कुछ खास इंटीरियर होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी कंडीशन में सीट देखने को मिल जाएगी। ये सीट के कवर नए ही है। और इसके अलावा आप यहाँ पर गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा इंटीरियर है। लोडिंग ट्रक है, फिर भी इसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। और एक बार दोस्तों मैं आपको ये गाड़ी चालू करके बता देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले गाड़ी चालू करो, उससे पहले यहाँ पर देखिए कि गाड़ी कितना घुमा हुआ है। गाड़ी सिर्फ 78,000 गाड़ी घुमा हुआ है, जो 2012 के मॉडल में बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों अब मैं गाड़ी चालू करके आपको बता देता हूँ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, गाड़ी फर्स्ट आयल में ही स्टार्ट हो चुकी है। पर यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों इंटीरियर में बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर आप अगर गाड़ी ले जाकर रेडियो लगवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्पेस दी गई है। तो अब तो मैं आपको गाड़ी का इंजन खोल के बता देता हूँ। तो यहाँ पर गाड़ी का दोस्तों आप इंजन देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया गाड़ी का साउंड है। और यहाँ पर इंजन भी गाड़ी का, और इसके अलावा गाड़ी की बैटरी भी बहुत ही अच्छी है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि गाड़ी का इंजन बहुत ही अच्छा है, और इसके अलावा गाड़ी में कोई भी टाइप का कोई नुकसान नहीं है। लेना चाहते हो या फिर आप अपनी कोई गाड़ी है जो बेचना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कॉल करके गाड़ी के रिलेटेड बात कर सकते हो।